हेलो गाइस, वेलकम टू पीयूष पीसीएस। और आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर का रेगुलर सेशन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहले पहला है, बास्केटबॉल बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, ठीक है। तो ऑप्शन है दिलीप तिर्की, कृष्णा भट्ट, कल्याण चौबे, हेमंत बिश्व शर्मा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कृष्णा भट्ट। क्या सही आंसर होगा? कृष्णा भट्ट। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रशासक कृष्णा भट्ट। और दिलीप तिर्की कहाँ के हैं अभी, ठीक है। तो दिलीप तिर्की हॉकी इंडिया के चैंपियन हैं, अध्यक्ष हैं, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं दिलीप तिर्की, ठीक है। और देखिए कल्याण चौबे कहाँ है? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष हैं। कहाँ के हैं? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष। फुटबॉल महासंघ के हैं। और हेमंत बिश्व शर्मा ये कहाँ के हैं? तो ये भारतीय बैडमिंटन संघ के हैं। हेमंत बिश्व शर्मा कहाँ के हैं? भारतीय बैडमिंटन संघ के हैं। भारतीय बैडमिंटन संघ के हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस की थीम क्या है 2023 का? क्या है विश्व हाथ स्वच्छता दिवस की थीम क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन है सेकंड सेव लाइव्स, एक साथ कार्रवाई में तेजी लाएं, जीवन बचाओ और अपने हाथ साफ करो, तीसरा है सुरक्षा के लिए एक हो और सभी के लिए हाथ की स्वच्छता हो, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एक साथ, ऑप्शन नंबर बी। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्या है? एक साथ कार्रवाई में तेजी लाएं, जीवन बचाओ, अपने हाथ को साफ करें। सही आंसर इसका ये होगा, ठीक है। तो ये जो विश्व हाथ स्वच्छता दिवस है, सबसे पहले कब आया था? तो WHO द्वारा आया था। WHO द्वारा 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी, 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। और अब देखिए WHO क्या है। तो WHO का मुख्यालय हम लोग का कहाँ है, ठीक है। तो WHO का मुख्यालय हम लोग का जेनेवा है। कहाँ है? जेनेवा, ठीक है। WHO का मुख्यालय हम लोग का कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। जेनेवा स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में हम लोग का जेनेवा का ये WHO का मुख्यालय है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? WHO की स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। और इसके अभी महानिदेशक कौन है? तो टेड्रोस एडमोहन। कहा, कौन है? टेड्रोस एडमोहन। और इसकी उप महानिदेशक कौन है? तो ये भारत की है, वो भारतीय इसकी है, भारतीय नागरिक की है, नागरिकता नहीं है, बस भारत की है। तो सौम्या स्वामीनाथन। कौन है? उप महानिदेशक सौम्या स्वामीनाथन, वो भारत की है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री 10 वर्षों के अंतराल पर भारत में SCO शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। SCO यानी संघाई सहयोग संगठन। क्या? संघाई सहयोग संगठन, ठीक है। तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री कितने वर्षों के बाद SCO में शिखर सम्मेलन में भाग लिए हैं? तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर पहले ऑप्शन देख लेते हैं, 10 10 वर्षों बाद, 13 वर्षों बाद, 9 वर्षों बाद या 12 वर्षों बाद, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा 12 वर्षों बाद। क्या होगा सही आंसर? 12 वर्षों बाद, ठीक है। 12 वर्षों बाद सही आंसर इसका होगा, 12 वर्षों बाद, ठीक है। अब इसके बारे में, SCO के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो ये SCO जो है, संघाई सहयोग संगठन, इसका जो मुख्यालय है ये है बीजिंग चाइना में। कहाँ है? बीजिंग चाइना में, बीजिंग चाइना में इसका मुख्यालय है, ठीक है। इसका मुख्यालय है, इसका मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग चाइना में, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 15 जून, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 15 जून 2001 में हुई थी। इसमें टोटल कितने सदस्य हैं? टोटल इसमें 8 सदस्य हैं, ठीक है। टोटल इसमें 8 सदस्य हैं, ठीक
ठीक है, सदस्य टोटल कितने हैं? टोटल सदस्य 8, और ये सबसे बड़ा संगठन है। क्या है? सबसे बड़ा संगठन है अब तक का, ठीक है। तो टोटल 8 सदस्य कौन कौन से हैं, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आ गया चीन, ठीक, फिर है इसमें कजाकिस्तान, कजाकिस्तान है, ठीक है, चीन हो गया, कजाकिस्तान हो गया, भारत हो गया, प्लस रूस, ठीक है, चीन, कजाकिस्तान, रूस, भारत, किर्गिस्तान, क्या है? किर्गिस्तान, किर्गिस्तान है, ठीक है, और तजाकिस्तान भी है, तजाकिस्तान है, ठीक है, और कौन है? उज्बेकिस्तान, और कौन है? प्लस आखिरी जो है वो है उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। फ्रांस में आयोजित 2023 बेस्टिल डे परेड के लिए माननीय मुख्य अतिथि के रूप में कौन बनने जा रहे हैं, ठीक है, कौन बनेंगे? तो सी जिनपिंग, नरेंद्र मोदी, लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा और फ्रैंक वाल्टर स्टेनमियर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो फ्रांस में आयोजित बेस्टिल डे के परेड में माननीय मुख्य अतिथि कौन होंगे? नरेंद्र दामोदर दास मोदी हमारे पीएम होंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं, ये जो है सी जिनपिंग, ये जो है अभी चाइना के प्रेसिडेंट है। कौन है? चाइना के प्रेसिडेंट है, कौन है? चाइना के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, ठीक है, चाइना के राष्ट्रपति हैं। और चाइना की राजधानी क्या है? राजधानी क्या है चाइना की? तो बीजिंग है राजधानी, क्या है? बीजिंग है, चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग है, ठीक है। और लुइस इनासिलियो लूला दा सिल्वा ये कौन है, ठीक है, तो ये ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के राष्ट्रपति हैं? ब्राजील के प्रेसिडेंट है, ठीक है, ब्राजील के प्रेसिडेंट है, ब्राजील के राष्ट्रपति है। और ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया, क्या है? ब्राजीलिया, ठीक है। और फ्रैंक वाल्टर स्टेनमियर ये कौन है, ठीक है, तो ये है जर्मनी के राष्ट्रपति। कौन है? जर्मनी के राष्ट्रपति हैं यानी प्रेसिडेंट है, जर्मनी के ये राष्ट्रपति हैं। और जर्मनी का क्या है ये राजधानी? तो ये होगा, जर्मनी का राजधानी क्या होता है? बर्लिन, क्या है? बर्लिन, जर्मनी का राजधानी क्या है? बर्लिन, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बैंक मेरिको के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया, ठीक है, किसे नियुक्त किया गया है? तो सौगत गुप्ता, राजेश मल्होत्रा, पंकज गुप्ता, शैलेश पाठक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सही आंसर क्या होगा? सौगत गुप्ता, क्या होगा? सौगत गुप्ता, सही आंसर होगा सौगत गुप्ता, ठीक है, यही है इसका राइट आंसर। अब हम लोग देख लेते हैं, राजेश मल्होत्रा, ठीक है, तो ये कहाँ के एमडी सीईओ है, ठीक है, तो राजेश मल्होत्रा जो है ये पीआईबी के हैं। कहाँ के हैं? पीआईबी के हैं, ठीक है, पीआईबी के हैं, ठीक है। और ये देखिए एसएसबी, ठीक है, एसएसबी के महानिदेशक कौन है, ठीक है, तो एसएसबी के जो महानिदेशक है वो है रश्मि शुक्ला। कौन है? रश्मि शुक्ला, ठीक है। और फिक्की के महासचिव कौन है? फिक्की के महासचिव, तो फिक्की के महासचिव हो गए शैलेश पाठक। कौन? शैलेश पाठक, ठीक है। और पीआईबी के महानिदेशक यही राजेश मल्होत्रा है, ठीक है, कौन है? राजेश मल्होत्रा, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। भारत के 7वें राष्ट्रपति कौन थे, ठीक है, तो ऑप्शन है जाकिर हुसैन, के आर नारायण, एपीजे अब्दुल कलाम और ज्ञानी जैल सिंह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है। सातवें राष्ट्रपति कौन थे? सेवेंथ राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है।
इनके बारे में हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों चर्चा में, क्योंकि 5 मई को इनकी जयंती मनाई गई। कब मनाई गई? 5 मई को, यानी जय सिंह की जयंती मनाई गई। ठीक है, तो और देख लेते हैं इनके बारे में, और सभी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। अब है जाकिर हुसैन। ठीक है, तो जाकिर हुसैन है, ठीक है, ये जो थे ये थर्ड राष्ट्रपति थे। कौन थे? थर्ड राष्ट्रपति, थर्ड प्रेसिडेंट थे। ठीक है, थर्ड प्रेसिडेंट थे। ठीक है, और इनका जो कार्यकाल था वो 1967 से लेकर 1969 तक था, 1969 तक था। ठीक है, और के आर नारायणन, ठीक है, के आर नारायणन, के आर नारायणन जो है उनका कार्य, वो जो थे वो 10वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, 10वें राष्ट्रपति, 10वें प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। ठीक, और इनका जो कार्यकाल था वो था 1997, सॉरी, इनका जो कार्यकाल था, हाँ, वो था 1997 से 2002 तक का। ठीक है, 2002 तक का। ठीक है, और एपीजे जो अब्दुल कलाम थे, इनका कार्य, ये जो थे ये 11वें राष्ट्रपति थे, 11वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, और इनका जो कार्यकाल रहा, इनका जो कार्यकाल रहा वो रहा 2002 से 2007 तक। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मई 2023 में किस राज्य में 2000 वर्ष पुराने आधुनिक समाज की खोज की है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा क्या है? भारतीय सर्वेक्षण पुराने मई 2023 में किस राज्य ने में वर्ष 2000 वर्ष पुराने आधुनिक समाज की खोज की है? तो वो है आंसर इसका मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, मध्य प्रदेश है। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में भी कुछ। तो यूपी के जो गवर्नर है, यानी राज्यपाल जो है, राज्यपाल जो है, राज्यपाल अभी कौन है? तो आनंदीबेन पटेल है। कौन है? आनंदीबेन पटेल। और जो सीएम है, ये तो सभी जान रहे हैं, सीएम कौन है? सीएम है, सीएम आदित्य, आदित्यनाथ योगी। ठीक है, और पंजाब के अभी गवर्नर कौन है? ठीक है, तो पंजाब के गवर्नर है कौन? बनवारी लाल। कौन? बनवारी लाल। पंजाब के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल। ठीक है, और जो यहाँ के सीएम है वो है सीएम भगवंत मान। कौन है? सीएम भगवंत मान, भगवंत मान आम आदमी पार्टी से। ठीक है, और मध्य प्रदेश जो है, यहाँ मध्य प्रदेश के अभी जो गवर्नर है वो है थावर चंद गहलोत। कौन है? थावर, थावर चंद गहलोत। ठीक है, और जो सीएम है वो कौन है? बसवराज बोम्मई। ठीक है, कौन है? बसवराज बोम्मई, बोम्मई। ठीक है, बसवराज बोम्मई, और ये था थावर। ठीक है, और कर्नाटक के जो है, कर्नाटक के जो है वहां अभी कर्नाटक के गवर्नर कौन है? तो भाई महावीर। कौन है? गवर्नर कौन है? भाई महावीर, यानी राज्यपाल कौन है? भाई महावीर। ठीक है, और यहाँ कर्नाटक के जो सीएम है, कर्नाटक के जो सीएम है वो सीएम कौन है अभी? तो शिवराज सिंह। कौन है? सीएम शिवराज सिंह। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने फूड स्ट्रीट प्रोजेक्ट की समीक्षा की है? ठीक है, किस किस केंद्रीय मंत्री ने फूड स्ट्रीट प्रोजेक्ट की समीक्षा की है? ठीक है, तो इसका सही आंसर पहले ऑप्शन देख लेते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर, डॉक्टर मनसुख मंडाविया, अर्जुन मुंडा, नारायण टाटू राणे। ठीक है, तो इस कौन भी है, कौन किए हैं?
तो इसका सही आंसर होगा मनसुख मंडाविया। सही आंसर क्या होगा? मनसुख मंडाविया, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा अब देख लेते हैं नरेंद्र सिंह तोमर क्या है। ठीक है, तो नरेंद्र सिंह तोमर जो है ये है अभी कृषि कल्याण मंत्री। कौन है? कृषि कल्याण मंत्री। कृषि कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, और मनसुख मंडाविया जो है, मनसुख मंडाविया अभी फूड स्ट्रीट प्रोजेक्ट की समीक्षा की है ये। ठीक है, यही किए हुए हैं। और अर्जुन मुंडा जो है ये है जनजातीय मामलों के मंत्री। कौन है? जनजातीय मामलों के मंत्री। जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा। ठीक है, और नारायण टाटू राणे। ठीक है, नारायण टाटू राणे ये कौन है? तो ये सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्री है। कौन है ये? सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्री। उद्योग मंत्री। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस हॉलीवुड अभिनेता को 2023 के लिए पाल्मो डी ओर पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? पाल्मो डी ओर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, पाल्मो डी ओर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किस हॉलीवुड अभिनेता को? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन है टॉम क्रूज, एलन डेलन, माइकल डगलस और जोडी फोस्टर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? माइकल डगलस, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी माइकल डगलस। माइकल डगलस को पाल्मे डियोर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, यह है गीगा चैट एआई सॉफ्टवेयर की मूल कंपनी कौन है? एआई से अभिप्राय क्या है? एआई से अभिप्राय क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये बहुत ही खतरनाक और बहुत ही फायदेमंद है, दोनों तरीका से यूज हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि जितना तरह का भी सॉफ्टवेयर है, आज से भविष्य में कुछ साल बाद जो भी सॉफ्टवेयर है, बस उसमें एक लिख देना है कि मुझे इस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए, तो ये एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये बना कर देगा। ये ऐसा एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसीलिए कहा भी जा रहा है कि बहुत से अमेरिकन कंपनी या फिर इंडियन कंपनी, जो भी कंपनी है, खासकर सॉफ्टवेयर आधारित कंपनी है, उनमें से कुछ लोगों का रोजगार जाएगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। तो सॉफ्टवेयर ये खुद न खुद बना देगा, तो फिर सॉफ्टवेयर बनाने वालों, सॉफ्टवेयर डेवलपर को क्या जरूरत पड़ेगा? हालांकि ये अभी का बात नहीं है, ऐसे 20 साल, 30 साल, 50 साल बाद की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा नहीं है और बहुत बढ़िया भी है। तो चलिए ऑप्शन है इसमें देख लेते हैं, गीगा चैट एआई सॉफ्टवेयर की मूल कंपनी कौन सी है? ऑप्शन है सबर बैंक, गूगल, आईबीएम और एप्पल। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सबर बैंक। क्या होगा आंसर? सबर बैंक। चलिए अब हम लोग सबर बैंक के बारे में कुछ देख लेते हैं। ठीक है, तो सबर बैंक है जो, सबर बैंक कब हुआ था? सबर बैंक जो है ये, सबर बैंक कहाँ की बैंक है? तो सबसे पहले इसका जो ये है मॉस्को, क्या है? मॉस्को रूस का है इसका मुख्यालय। ठीक है, मॉस्को रूस का, रूस में इसका मुख्यालय है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुआ था? 1841 में। कब हुआ था? 1841 में। ठीक है, अब हम लोग गूगल के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, गूगल के बारे में देख लेते हैं। तो गूगल के जो संस्थापक थे, गूगल के संस्थापक कौन है? तो लैरी पेज। कौन है? लैरी पेज। लैरी पेज संस्थापक, और सरगई ब्रिम। कौन? सरगई, सरगई ब्रिन, ब्रिन। ठीक है, ब्रिन इसके संस्थापक हैं गूगल के। ठीक है, और देखिए गूगल के सीईओ कौन है? गूगल के सीईओ कौन है? तो सुंदर पिचाई, सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ है। ठीक है,
और गूगल का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है, तो गूगल का मुख्यालय कहाँ पर है ये भी देख लेते हैं। तो इसका जो है कैलिफोर्निया में है मुख्यालय, माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया का, माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया ठीक है, में इसका मुख्यालय है। अब हम लोग आईबीएम के बारे में देख लेते हैं। तो आईबीएम के जो सीईओ है, ठीक है, तो वो है सीईओ, वो कौन है, तो आईबीएम के सीईओ है अरविंद कृष्णा, अरविंद कृष्णा ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो हुआ था वो हुआ था 1911 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में, इसका मुख्यालय कहाँ है। अब देख लेते हैं हम लोग एप्पल के बारे में, ठीक है, एप्पल के बारे में देख लेते हैं कुछ तथ्य। तो एप्पल के जो सीईओ है वो है कौन, टीम कुक, कौन, टीम कुक, टीम कुक जो है वो एप्पल के सीईओ है, ठीक है। और एप्पल का जो मुख्यालय है, ठीक है, एप्पल का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो ये है क्यूपर्टिनो कैलिफोर्निया, ठीक है, क्यूपर्टिनो कैलिफोर्निया, क्यूपर्टिनो कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में, ठीक है। और जो एप्पल है इसके संस्थापक कौन है, बार बार ये पूछता है, एप्पल के संस्थापक कौन है, ठीक है, तो एप्पल के संस्थापक है स्टीव जॉब्स, ये अकेले नहीं है, इनके साथ साथ और भी हैं, इसके साथ है रोनाल्ड वेन, प्लस रोनाल्ड वेन भी हैं, और माइक मार्कुला भी हैं, माइक मार्कुला भी हैं, और एक है वोजनी याक, कौन, वोजनी याक, वोजनी याक कौन है, वोजनी याक। तो चलिए इसी के साथ आज का करंट अफेयर का सेशन समाप्त होता है। कैसा लगा आप लोग को जरूर बताएं, डिस्क्रिप्शन कैसा लगा जरूर बताएं।